हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की बात की हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसे इंडिया लेवल पर, यानी कि आप देखिए राष्ट्रीय लेवल पर भी लागू किया जाना चाहिए। यानी कि दो बच्चे पैदा कर सकता है एक दंपत्ति, यानी कि एक पति पत्नी दो ही बच्चे पैदा कर सकता है, इससे ज्यादा पैदा करने की अनुमति नहीं है। अगर वो दो से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, उन्हें उसे नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह भी की भी खबरें आ रही हैं कई जगह से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए चाइना को, आखिर क्या नौ बताई हुई है कि चाइना को तीन बच्चे पैदा करने की छूट देनी पड़ी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1980 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की हुई थी, यानी कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। फिर आपने देखा कुछ समय पहले दो बच्चे की छूट दी हुई थी, अब तीन बच्चे की छूट देने की बात हुई है। तो आप समझिए कि चाइना कहीं ना कहीं इन पॉलिसी में फैल रहा है, असफल रहा है। और इन्हीं बातों से हम लोग भारतीय, यानी कि भारत सरकार बहुत कुछ सीख सकती है। और आपको बता दूं कि जनसंख्या के फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे, अगर आप लोग इसका सदुपयोग करें तो इसका फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी माता-पिता के पांच बच्चे हैं, आप सोचिए अगर उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है, शिक्षा व्यवस्था मिलती है, और आप सोचिए कि आगे वो पांचों बच्चे कहीं सेटल हो जाते हैं। आप सोचिए कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में जाता है, इस तरह से हर बच्चा अपना सेट हो जाता है, तो ये अपने परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधारेंगे ही। आप सोचिए कि ये भारत देश की तरक्की में, आर्थिक स्थिति में, विकास में योगदान भी दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए इस तरह की सुविधाएं ना उपलब्ध करवाना, जागरूक लोगों में जागरूकता ना फैलाना, इनसे सरकार बचती है। और डायरेक्ट वो क्या करती है कि नई नीतियां लाकर, इस तरह के नियम कानून लाके जबरदस्ती लागू कर देती है। तो आप लोग चाइना को पहले देख लीजिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम रही है, और इसे आप लोग अपने देश के परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखिए, और फिर आप लोग समझिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब टू चाइल्ड पॉलिसी की बात हुई उत्तर प्रदेश में, तो कहा गया कि एक धर्म विशेष के लिए लाई गई है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए आप लोग, हर धर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे दो तीन चार बच्चे, तीन दो से ज्यादा बच्चे हर धर्म में देखने को मिलेंगे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख, कोई भी देख लीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे परिवार हैं उसमें आपको दो ही बच्चे अधिकतर देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही हो, दो बेटियां पैदा हो गई और बेटी की चाह में आप देखिए एक और बेटी पैदा हो गई, इस तरह से थोड़े मतलब अधिक बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश पितृसत्तात्मक सोच रखता है, यानी कि बेटा ही सब कुछ होता है। खैर छोड़िए, आप देखिए सरकार को इससे कुछ सीख लेना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि जो आज युवा है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, ये एक दिन बूढ़ी होगी, यानी कि वृद्ध होगी। और आप समझिए कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जिस समय युवाओं की संख्या कम रहेगी और आप देखेंगे कि बूढ़ों की, यानी कि वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। यही चाइना में हुआ, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाइना छूट दे रहा है। तो एक बार आप लोग चाइना को देख लीजिएगा, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप एशिया में देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पड़ोसी हैं श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ आप देखेंगे चाइना है आपका। चाइना की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है, और आप सभी को मालूम होगा कि ये 1949 में आज़ादी मिली थी, यानी कि हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी भारत को, और चाइना 2 साल बाद, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। और आप देखिए कि चाइना हमसे कई गुना, इसकी जीडीपी अच्छी है, और आप देख रहे हैं कि हर जगह आप देखिए कहीं ना कहीं हमारी कुछ पॉलिसी में गड़बड़ी तो रही है, इसलिए हम लोग पीछे रह गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग चीन की थ्री चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि अब एक दंपत्ति तीन बच्चे पैदा भी कर सकता है। चीन की विधायिका द्वारा दंपतियों को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति देने हेतु
देश के परिवार नियोजन नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन किया गया है और साथ में घटती जन्म दर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपायों की घोषणा भी की गई है। और इन निर्णयों के पीछे अगर हम लोग कारण की बात करें कि आखिर चाइना को इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा, समझ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे हाल ही में जारी किए गए चीन में की गई दशकीय जनगणना, यानी कि हमारे देश में भी तो आप देखते हैं 10 साल में एक बार जनगणना होती है, तो दशकीय जनगणना आंकड़ों से पता है चला है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटती जा रही है। और चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पिछले साल 12 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है, जो 1961 के बाद सबसे कम है। और आप देखेंगे इससे कई गुना ज्यादा हर साल बच्चे बूढ़े भी हो रहे हैं, यानी कि समझिए आप लोग। अगर हम लोग बात करें कि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करें, तो चीन द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत 1980 में की गई थी और उस समय चीन की जनसंख्या लगभग 1 अरब के करीब पहुंची रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की चिंता थी कि देश की बढ़ती आबादी अर्थात आर्थिक प्रगति को बाधित करेगी, और यही तर्क हमारे यहाँ भी दिए जा रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, या इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की और भी सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इस नीति को लागू करने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे, जिनके तहत एक बच्चा पैदा करने वाले परिवारों के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन यानी कि कुछ फायदे मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, गर्भ निरोधकों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराना और नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना आदि शामिल थे। अगर एक से ज्यादा कोई बच्चा पैदा करता है तो उस पर कुछ जुर्माना भी लगाया जाता था, प्रतिबंध भी लगाया जा सकता, और जो इस नीति को मानते थे उन्हें फायदे पहुंचाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इस नीति यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी की आलोचना क्यों हुई थी, क्योंकि चीनी अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक इस नीति को एक सफलता के रूप में बताया जाता रहा और दावा किया गया कि इस नीति ने लगभग 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोककर देश के समक्ष आने वाली भोजन और पानी की कमी संबंधी गंभीर समस्याओं को टालने में मदद की है। और हालांकि एक बच्चा पैदा करने की सीमा देश में असंतोष का एक कारण भी थी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि छूट भी देनी पड़ रही है। अगर ये नीति सफल थी तो आखिर ये नौबत क्यों आई हुई है कि पहले आपने 2 बच्चों की छूट दी, फिर आप 3 बच्चों की छूट दे रहे हैं। और असंतोष तो इसलिए है क्योंकि आप समझिए कि किसी के, आप सोचिए कि एक बच्चा पैदा करने की छूट मिली हुई थी और मान लीजिए कि उसके घर में बेटा हो गया, ये बेटी हो गई, उसकी चाहत है कि एक और बच्चा हमारे घर में पैदा हो, बेटी या बेटा, और आप उसे रोक देते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो आप समझिए लोगों के दिमाग में गुस्सा भी तो आएगा, लोग बोल नहीं सकते शायद कुछ, लेकिन अपने आप में तो असंतोष अंदर से भरे बैठे रहेंगे। और इसके लिए राज्य द्वारा जबरन गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर नीति रणनीति का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आप सोचिए कि वो राजीव गांधी के समय जैसी हालत है कि जबरदस्ती नसबंदी करवा देना, तो यही चाइना में देखने को मिला कि गर्भपात करवा देना। मान लीजिए कि एक महिला गर्भवती हो गई तो उसका जबरदस्ती आप देखेंगे कि गर्भपात करवा देना या फिर नसबंदी करवा देना, अगर लोग चाह भी नहीं रहे फिर भी जबरदस्ती उन पर इस तरह थोप देना। यह नीति गरीब चीनियों के लिए काफी अन्यायपूर्ण थी क्योंकि अमीर लोग नीति का उल्लंघन करने पर आर्थिक प्रतिबंधों का भुगतान कर सकते थे और गरीबों को दंड भुगतना पड़ता था, यानी कि समझिए कि आप अमीर हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और आपने 1 से 2 बच्चे 2 या 3 बच्चे पैदा कर लिए, तो आप पर कोई जुर्माना लगाया जाता है तो आप आसानी से उसका जुर्माना भर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए एक गरीब पर आप लोग देखिए कि कोई जुर्माना लगाया जाता है तो उस पर क्या रहेगी, और समझिए कि गरीब, आप देखेंगे एक बात और ध्यान दी होगी आपने, गरीब ही, आपने देखा होगा गरीब के घर में ही 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि वो जागरूक कम रहते हैं, उन्हें आज की इस दुनिया के जो भी टेक्नोलॉजी है या इस तरह के उपाय हैं उनके बारे में कम मालूम रहता है, और आप सोचिए कि उनकी आर्थिक स्थिति वैसे भी बिल्कुल खराब है और आप ऊपर से उन पर जुर्माना लगा दें। इस नीति को लागू करने के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, यानी कि आप देखिए हमारा जीवन, यानी कि लोगों का जीवन, आप वो 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करें या ना करें उनकी मर्जी,
आपके अधिकार दिए गए ना। आपने देखा कि जब दो बच्चों की नीति आई उत्तर प्रदेश में, तो कई लोग इसकी मानव अधिकारों की भी बात करने लगे थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्वैच्छिक नीति है, आप पर जबरदस्ती लागू नहीं की जाएगी उत्तर प्रदेश में ये। और इनसे सामाजिक नियंत्रण करने के एक उपकरण के रूप में विजिलेंस सीमाओं को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। और इसमें देखेंगे इसकी वजह से इनसे पुरुषों के पक्ष में लिंगानुपात को प्रभावित किया, और इसकी वजह से आप देखेंगे कन्या भ्रूणों के गर्भपात में वृद्धि हुई और इस तरह के अनाथालयों में परित्यक्त लड़कियों की संख्या बढ़ी। क्योंकि आप देखिए हमारे देश में, आप देख लीजिएगा, अब आप देखिए कि अगर पहली लड़की हो गई और दो बच्चों की पिति, दो बच्चों दो चाइल्ड पॉलिसी यानी कि टू चाइल्ड पॉलिसी की बात हो रही है, और हर किसी की चाह होती है कि हमारा एक बेटा हो, और उसे आप देखिए कि दूसरी बार उसे पता चल जाता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि नई नई तकनीक आ चुकी है, अगर उसे मालूम चल गया कि यानी कि गर्भ में माँ की यानी कि महिला के गर्भ में बेटी है, तो वो क्या करेंगे, उसे वहीं खत्म करवा देंगे। इससे क्या रहेगा, भ्रूण हत्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये भी देखने को मिल रहा है। और अभी आप देखते हैं कि प्रतिबंधित है ये सब काम, लेकिन अभी भी होता रहता है। और इस वजह से चीन में वृद्धों की संख्या में अन्य देशों की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे देश की विकास क्षमता प्रभावित हुई है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि चाइना को छूट देनी पड़ी। इस नीति को बंद कर दिया गया। तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी की वजह से आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचने के भय से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक बच्चा नीति यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर प्रत्येक विवाहित जोड़े को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी, अब तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति दी जा रही है। आगे के अगर सुधारों की क्या आवश्यकता थी, हालांकि वन चाइल्ड पॉलिसी में छूट देने से देश में युवा लोगों के अनुपात में कुछ सुधार तो हुआ है, किंतु इस नीति के परिवर्तन के आसन्न जनसांख्यिकीय संकट को टालने हेतु अपर्याप्त माना जा रहा है, इसलिए और छूट दी गई है। आगे की अगर हम लोग चुनौतियों की बात करें, तो विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रजनन अधिकारों पर ढील देने से आगामी अवांछित जनसांख्यिकीय बदलाव से बचने में बहुत मदद नहीं मिल सकती है, और वर्तमान में कम बच्चे पैदा होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। एक तो आपका जीवन यापन, शिक्षा और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की बढ़ती लागत, देश में लंबे समय तक काम करने की संस्कृति। कई दंपतियों का मानना है कि एक बच्चा काफी है, और भी अतिरिक्त बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। आज भी तो आप देखते हैं कि अधिकतर वो तो क्या रहता है कि अगर देखिए कई परिवारों की मैं बात कर रहा हूं, क्या करते हैं कि आप सोचिए अगर उनका एक बेटा पैदा हो गया तो वो कहते हैं कि काफी, हमारा एक ही बेटा काफी है। लेकिन आप देखिए अगर शुरुआत में उनकी बेटियां हो गई तो एक बेटे की चाहत में वो और बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो ये देखने को मिलता है। और मेरा तो देखिए वही सुझाव है कि देखिए जागरूकता जागरूकता फैलाना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करना चाहिए, और इससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता भी आएगी, वो अपने हिसाब से बच्चे भी पैदा कर पाएंगे। और आप सोचिए कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, अभी हम लोगों ने कौन सा जनांकी या लाभांश का फायदा उठा लिया, अगर आप सोचिए कि आज हमारा देश युवा जनसंख्या वाला देश है, अगर हम लोगों ने इसे एक तरह से कौशलता प्रदान की होती, अगर हम लोगों ने इसे मानव पूंजी में बदल पाते होते, तो आज हम लोग इसका फायदा भी उठा रहे होते, हम लोग बहुत आगे तक जा पाते। और इस तरह के जबरदस्ती कोई कानून लाकर मुझे नहीं लगता है कि सफल हो पाते हैं। खैर बढ़िया है, जो भी आप लोग देखिए, और कहीं आंसर आप लोगों के सामने लिखने के लिए आता है तो इसके पॉजिटिव पॉइंट भी आप लोग लिखिएगा, ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट तो आपके पास काफी है, इसमें नेगेटिव और नेगेटिव पॉइंट दिखाए गए, चाइना का है इसलिए, क्योंकि चाइना फेलियर रहा है ना इसलिए। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा पिछली एक क्लास ली हुई थी उत्तर प्रदेश में जो टू चाइल्ड पॉलिसी की बात हुई है, उसमें कुछ फायदे भी बताए गए थे, उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा और आराम से आप लोग कर सकते हैं, अपनी सरकारें भी इससे कुछ सीख भी सकती हैं।